हेलो स्टूडेंट्स, हम एमएससी फाइनल बॉटनी में बायोटेक्नोलॉजी के पेपर में वेक्टर्स को स्टडी कर रहे थे और हमने काफ़ी सारे वेक्टर्स कवर कर लिए थे, प्लाज्मिड, कॉस्मिड, लैम्डा फेज, बैक्टीरियोफेज, डीएनए, वाईएसी, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम जो हमने कल लिया था आपका, और आज हम ले रहे हैं फेजमिड। फेजमिड क्या है? फेज एंड मिड दो शब्दों से मिलकर बना है। फेज क्या है? बैक्टीरियोफेज या लैम्डा फेज, और मिड कहाँ से आया है? प्लाज्मिड से। ठीक है, तो ये वेक्टर फेजमिड दो चीजों से मिलकर बनाया गया है और हम जीन क्लोनिंग में उसको काम में लेंगे। तो फेजमिड क्या है? हाइब्रिड ऑफ प्लाज्मिड एंड लैम्डा डीएनए। प्लाज्मिड में क्या क्या था? ओराई साइट थी, जो कि रेप्लिकेशन साइट हम जिसे कह सकते हैं। एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन था, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन था, जो हमने प्लाज्मिड कंस्ट्रक्ट किया था उसमें, मतलब जेनेटिक मार्कर थे नॉर्मली जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था। और लैम्डा डीएनए में क्या था? कॉस साइट्स थी, और उसके अलावा स्ट्रक्चरल जीन कॉस साइट्स जिसके द्वारा वो जुड़ जाता था, और एमसीएस जिसको हमने कंस्ट्रक्ट किया था लैम्डा डीएनए को, जिसमें एमसीएस किसके? मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस, और एक था लैग जेट। ठीक है, जो हमने लैम्डा डीएनए एज ए वेक्टर कंस्ट्रक्ट किया था उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके अंदर क्या क्या था? स्ट्रक्चरल जीन के अलावा, कॉस साइट्स के अलावा क्या क्या था? लैग जेट था और एमसीएस थे, मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस थे, नॉन एसेंशियल सीक्वेंस इसमें से निकाल दिए जाते हैं। तो ये एक हाइब्रिड वेक्टर है जो प्लाज्मिड और लैम्डा डीएनए से मिलकर बनाया गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखिए, कंस्ट्रक्टेड बाय इंसर्टिंग अ लीनियराइज्ड प्लाज्मिड डीएनए इनटू क्लीव्ड लैम्डा डीएनए। क्लीव्ड लैम्डा डीएनए का मतलब है लैम्डा डीएनए को पहले काटा गया, क्लीव किया गया, और उसमें प्लाज्मिड को इंसर्ट किया गया। ठीक है, इसे कहते हैं लिफ्टिंग द प्लाज्मिड। ठीक है, अब प्लाज्मिड से हमने कहा क्या लिया गया है? ओराई साइट और दूसरा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। क्यों लिया गया है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन जो है वो हमें सिलेक्शन में मदद करेगा, क्योंकि हमें इस पूरे को इकोलाई के अंदर डालना है। ठीक है, पोस्ट के अंदर डालना है मल्टीप्लाई के लिए। और ओराई साइट क्यों है? क्योंकि वो प्लाज्मिड की ओराई साइट है, एज ए प्लाज्मिड भी वो वर्क कर सकता है इकोलाई के अंदर, इसलिए ओराई साइट भी जरूरी है। ठीक है, और क्या लिया गया? प्लाज्मिड से ये दो चीजें ली गई हैं, और लैम्डा डीएनए का लिया गया है मेन क्या? लैग जेट। लैग जेट हमने आपको बताया था क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि वो रिकॉम्बिनेंट डीएनए को सेलेक्ट करने में मदद करता है। ठीक है, कैसे? वो आपको बताया गया था कि ब्लू जो एक्स जेल है वो ब्लू कलर के कंपाउंड्स में बदल जाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज की उपस्थिति में, लेकिन चूंकि लैगजेट जब हम डालते हैं इसके अंदर, डीएनए के अंदर, तो लैगजेट की उपस्थिति के कारण बीटा गैलेक्टोसाइडेज फॉर्म नहीं हो पाता, उसकी सिंथेसिस नहीं होती है, और जब उसकी सिंथेसिस नहीं होती है तो वो एक्स जेल जो ग्रोथ मीडियम में डाला गया है उसको ब्लू कलर के कंपाउंड्स में नहीं तोड़ता है, और हमारी जो कॉलोनी है वो हमें कैसी दिखाई देती है? वाइट दिखाई देती है। बैक्टीरियल कॉलोनी को हम आराम से निकाल सकते हैं। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन होने से दूसरे बैक्टीरिया इस पर ग्रो नहीं कर पाते हैं और हमारा सिलेक्शन आसान हो जाता है, क्योंकि हमें इस टेक्निक के अंदर खाली प्लाज्मिड मतलब वैक्टर्स के अंदर डिजायर्ड डीएनए को जोड़ना ही नहीं है। इस डिजायर्ड डीएनए वाले वैक्टर को हमें होस्ट के अंदर डालना है, होस्ट सेल में फिर इसको मल्टीप्लाई करना है। होस्ट सेल में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? होस्ट सेल को मल्टीप्लाई करके, और होस्ट सेल को मल्टीप्लाई कहाँ करेंगे? मीडियम पर। उस पर दूसरे बैक्टीरिया ग्रो नहीं करें, इसलिए हम उस मीडियम में केवल रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया को ही रखना चाहते हैं। तो उसका सिलेक्शन हमें कैसे करना पड़ेगा? इसको रखकर करना पड़ेगा। तो लैगजेट हम इसलिए इसके अंदर शामिल करते हैं। लैम्डा डीएनए की खास बात क्या है? इट हैज कैपेबिलिटी टू इंटीग्रेट विद बैक्टीरियल जीनोम। बैक्टीरियल जीनोम से ये अटैच हो जाता है, इंटीग्रेट हो जाता है, और खुद ब खुद भी
मल्टीप्लाई हो सकता है किसके साथ, बैक्टीरियल जीनोम के साथ साथ। तो हम नेक्स्ट इसी को कह रहे हैं हेल्प फॉर इन विवो मल्टीप्लीकेशन, इन विवो मल्टीप्लीकेशन ऑफ फेज पार्टिकल या फेज डीएनए हम इसे कहें, दैट हैव रिकॉम्बिनेंट फेजमेट। ठीक है, जिसके अंदर रिकॉम्बिनेंट फेजमेट है उस डीएनए का मल्टीप्लीकेशन अपने आप होता रहता है, किसके कारण, इसके इंटीग्रेशन के कारण। क्योंकि बैक्टीरियल जीनोम से जब वो इंटीग्रेट हो जाता है तो बैक्टीरियल जीनोम जैसे जैसे मल्टीप्लाई करेगा वैसे वैसे ये फैजमिट भी जो है क्या करेगा, रिकॉम्बिनेंट फैजमिट भी मल्टीप्लाई होता रहेगा। और रिकॉम्बिनेंट फैजमिट हमने कहा इट मीन्स इसके अंदर क्या है, डिजायर्ड डीएनए भी मल्टीप्लाई होता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, प्लाज्मिड पोर्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ऑफ फैजमिट। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस का मतलब है प्लाज्मिड यदि रिलीज भी हो जाता है ईकोलाई के अंदर फैजमिट में से, तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखता है अपनी, और क्योंकि उसमें ओराई साइट है इसलिए वो खुद ब खुद रेप्लीकेट हो सकता है होस्ट कॉलोनी के अंदर, होस्ट के अंदर। ठीक है, और हम चाहते क्या है, होस्ट के अंदर इसको रेप्लीकेट करना ही चाहते। इट मे बी रिलीज फ्री इन फ्रॉम फ्री इन ईकोलाई, ईकोलाई के अंदर ये फ्री भी हो सकता है, यही हम चाहते हैं। नेक्स्ट अब हम इसका पढ़ेंगे स्ट्रक्चर, जो हमने एग्जाम्पल लिया है इसका लिया है हमने ईकोलाई जो जिसमें फ्री हो जाता है, ये है एग्जाम्पल लैम्डा जेल, ये इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट ले रहे हैं इसका स्ट्रक्चर। तो देखिए हमने कहा कि फैजमेट लैम्डा जेब के अंदर क्या क्या होना चाहिए, लैम्डा डीएनए है ही, ओराई साइट है ही, एम्पसिलिन रेजिस्टेंट जीन हमने प्लाज्मिड कर लिया है, और लैब जेब एमसीएस हमने कहाँ से लिए हैं, इसमें खुद ब खुद थे लैम्डा डीएनए के अंदर। और हम कह रहे हैं प्लाज्मिड को हमने किसमें डाला है, लैम्डा डीएनए के अंदर डाला है, क्लीव्ड लैम्डा डीएनए के अंदर डाला। तो ये लैम्डा डीएनए का स्ट्रक्चर है एक्चुअली, इसमें हमने प्लाज्मिड का थोड़ा सा पोर्शन डाला। ठीक है, तो देखिए ये ए टू जे है लैम्डा स्ट्रक्चरल जीन, ठीक, ये जो अपना खुद का जीन है। देन एम्पसिलिन रेजिस्टेंट जीन, नेक्स्ट है लैक जेड जो इसका खुद का है जो हमने कंस्ट्रक्ट किया था तब हमने इसमें डाला। टी थ्री पॉलीमरेज प्रमोटर, देन एमसीएस, एमसीएस क्या है, मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस जिसके अंदर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज करके डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट्स पर हम डिजायर डीएनए को इंसर्ट कर सकते। ठीक है, देन T7 पॉलीमरेज प्रमोटर एंड लैम्डा अटैचमेंट साइट, ये इसका स्ट्रक्चर है। और हमने बताया लैब जेब जो है हमने इसलिए डाला है सिलेक्शन के लिए, एम्पसिलिन रेजिस्टेंट जीन लैब सिलेक्शन के लिए है, और MCS जो है वो क्या है, इसके मल्टीपल क्लोनिंग सीक्वेंस में डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन साइट्स पर डिफरेंट डिजायर डीएनए को जोड़ा है। और फिर इस पूरे को लैम्डा जेब को हम किसमें पैक कर दें, लैम्डा फेज पार्टिकल के अंदर पैक कर दें। ठीक है, उसके अंदर पैक करके उस रिकॉम्बिनेंट जो फेज है, फिर उस रिकॉम्बिनेंट फेज को क्या करें, ई कोलाई पर अटैक करने के लिए अलाउ करें। ठीक है, समझ में आई, ये सारे को जिसके अंदर हमने डिजायर डीएनए को जोड़ा है, ये दोनों चीजों को मिलाकर बनाया गया है, और फिर इसके अंदर हम डिजायर डीएनए को जोड़ेंगे और इसको पूरे को यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, डिजायर डीएनए जोड़ने के बाद हम कहेंगे इसको रिकॉम्बिनेंट डीएनए, और इस पूरे को फिर फेज पार्टिकल के लैम्डा फेज के किस में डाल दें, हेड के अंदर पैक कर दें, और उस फेज से ई कोलाई को अटैक करने के लिए अलाउ करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि वो रिकॉम्बिनेंट जो ये जो रिकॉम्बिनेंट जेप है, लैम्डा जेप है, वो क्या इसमें चला जाएगा, ई कोलाई स्ट्रेन में चला जाएगा, और फिर उस ई कोलाई यानी कि होस्ट को हम मीडियम पर ग्रो कराएं और उसकी मल्टीपल कॉपीज तैयार करें। ठीक है, ये हमारा इसका स्ट्रक्चर है और ये इसकी प्रोसेस है। अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं, एडवांटेजेस देखिए, इट कैन बी मेंटेन्ड एज प्लाज्मिड इन ई कोलाई, जैसा हम कह रहे हैं
क्योंकि हमने प्लाज्मिड पोर्शन इसका लिया है, जब ये फ्री हो जाता है, जैसे एग्जांपल है लैम्डा जैक के अंदर ये फ्री हो जाता है प्लाज्मिड पोर्शन, और फ्री रहकर ये मेंटेन किया जा सकता है, यानी प्लाज्मिड पोर्शन इसका अपने आप अलग हो जाए तो ये फ्री रहकर भी अपनी एग्जिस्टेंस को रखता है, ठीक है। दूसरा, डिजायर डीएनए कैन बी इंटीग्रेटेड इनटू क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ ई कोलाई यूजिंग फैजमिट। फैजमिट को यूज करते हुए डिजायर डीएनए भी क्रोमोसोमल डीएनए ऑफ बैक्टीरियल जीनोम से जुड़ सकता है और उसके साथ साथ मल्टीप्लाई कर सकता है। कैसे? कि मल्टीप्लाई करेगा कौन? बैक्टीरियल जीनोम भी मल्टीप्लाई करेगा, तो यदि इसमें इंटीग्रेट हो गया है, ये जुड़ गया है उसके साथ, तो ये स्वयं भी मल्टीप्लाई करता है। तीसरी बात, प्लाज्मिड पोर्शन ऑफ फैजमिट कैन बी रिलीज्ड फ्री, जैसा कि हम कह रहे थे कि रिलीज फ्री रिलीज हो जाए रिकॉम्बिनेंट फैजमिट में से ई कोलाई में डालने के बाद, तो वो भी अपनी एक अलग एग्जिस्टेंस रखता है, ठीक है, एग्जिस्टेंस रहेगा, खुद भी मल्टीप्लाई इसमें कर सकता है। लास्ट में, फेज हैविंग रिकॉम्बिनेंट फैजमिट कैन बी स्टोर्ड इजीली, इनको स्टोर भी इजीली किया जा सकता है, ठीक है। तो ये जो फैजमिट है वो एक हाइब्रिड वेक्टर है, प्लाज्मिड और लैम्डा डीएनए से मिलकर बनाए गए हैं, और क्योंकि इनमें इंटीग्रेशन की पावर होती है, ई कोलाई से जुड़ने की पावर होती है, ये भी एक फायदा मतलब एडवांटेज है इसका। दूसरा, इसमें प्लाज्मिड पोर्शन को रिलीज करने की भी कैपेबिलिटी होती है लैम्डा जैप के अंदर स्पेशली, तो ये भी एक इसकी खासियत है, और इसके कारण हम इनको जीन क्लोनिंग में यूज में ले सकते हैं। डिजायर डीएनए को कहाँ जोड़ते हैं? मल्टीपल क्लोनिंग सिक्वेंस के अंदर, रेस्ट्रिक्शन साइट्स। तो इस तरीके से ये जो फेजमिड है उसको हम जीन क्लोनिंग वेक्टर की तरह काम में ले सकते हैं। नेक्स्ट टर्न पे अब हम स्टडी करेंगे प्लांट वेक्टर जो हैं, जो स्पेशली प्लांट के लिए काम में लिए जाते हैं, जैसे सीएएफवी है या एग्रोबैक्टीरियम है। ये हम एग्रोबैक्टीरियम आपके सिलेबस में अलग से पूरा है, तो अभी हम सीएएफवी को स्टडी करेंगे, फिर एग्रोबैक्टीरियम को अलग से पूरा पूरा स्टडी करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।